अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीम अल्लाह फरर और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये चाइना की बाइक है तो इसमें गियर प्रॉब्लम है, गियर इसके ठीक से लगते नहीं हैं। इस इंजन की साइड को खोलना पड़ेगा, इसका गियर सिस्टम जोन से है। टापे को हमने बाहर निकाल लेना है। साइड टापे को बाहर निकालने के बाद हम पेचकस की मदद से, ये चार पेज जोन से आपको नज़र आ रहे हैं, इनको खोलेंगे। इनको खोलने के बाद अंदर इसके एक नट लगा होता है, उसको हम गन की मदद से खोलेंगे। अगर गन आपके पास नहीं है तो आप गोटी के साथ भी खोल सकते हैं, बल्कि काफ़ी सारे मैकेनिक भाई तो हथौड़ी और पेचकस की मदद से भी इसको खोल लेते हैं। खैर, अपना अपना स्टाइल है ये खोलने का। उसके बाद हम बड़ी गरारी का ये लॉक जोन से है, इसको निकालेंगे। लॉक निकालने के बाद आपको गियर सिस्टम सारा नज़र आएगा। तो दोस्तों ये गियर सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये स्टापर पत्री, स्टार पत्री और गियर शाफ्ट। शाफ्ट को हम उसी को ठीक कर सकते हैं और स्टापर पत्री और स्टार पत्री को चेंज करेंगे। दोस्तों गियर शाफ्ट को हम बाहर निकालेंगे और देखेंगे इसका मसला जोन सा गियर का आ रहा है, गियर प्रॉब्लम ये किस वजह से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गियर शाफ्ट जोन सा है, इसके साथ घिस रही है, ये देखें। इस वजह से गियर का प्रॉब्लम आ रहा है, गियर लगने में और निकालने में तंगी होती है। ये इसके साथ घिस रही है, ये देखें, तो इसलिए गियर में प्रॉब्लम पैदा होती है। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद प्लास की मदद से हमने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है, ताकि ये इंजन के पार्ट के साथ टच ना हो। बाद हमने इसको इसकी अपनी जगह पर फिट कर देना है। तो ये देखें, ये वक्फा पैदा हो चुका है इसमें, तो उम्मीद है ये अब बिल्कुल ठीक से काम करेगा गियर जोन से। तो हमने एक और काम करना है, ये स्टापर पत्री आप देख सकते हैं और ये स्टार पत्री, इन दोनों को हमने चेंज कर देना है। करोन लफान की हमने ये खरीद लेनी है और उसके बाद हमने इसको इसमें इंस्टॉल कर देना है।